हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि आप सबको पता है, एशिया कप का मैच यहां पे होने वाला है और उसमें इंडिया पाकिस्तान की जो टिकट है उससे रिलेटेड काफ़ी कुछ न्यूज़ आ रहे हैं। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें, आपको क्या करनी है क्या नहीं करनी है, सारी चीज़ें मैं बता दूंगी। तो वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आपको पता चल सके। तो दोस्तों, जो नॉर्मल टिकट्स होती हैं, जो इंडिया पाकिस्तान मैच की जो टिकट है वो पूरी सोल्ड आउट हो चुकी हैं। 17 तारीख को एक नया पैकेज निकाला गया जिसमें एक से ज़्यादा मैच की हम अगर एक साथ पैकेज लेते हैं तो उसमें इंडिया पाकिस्तान मैच की हमको टिकट मिल जाती है, जो कि दो से ज़्यादा मैच की हमको टिकट लेनी पड़ेगी। सिर्फ सिंगल मैच की टिकट्स अब अवेलेबल नहीं हैं। तो ये तो था टिकट्स के बारे में। तो यहाँ के गवर्नमेंट के तरफ से बोला जा रहा है कि टिकट्स की जो रीसेलिंग है वो बिल्कुल इलीगल काम है। तो देखिए, यूएई के रेसिडेंट्स क्या कर रहे हैं, यूएई के सिटीजन्स क्या कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप लोग विजिट वीज़ा में हैं, स्पेशली जो लोग विजिट वीज़ा में आए हुए होते हैं यहाँ पे, उनके पास कोई जॉब्स नहीं होती है, पैसों की बहुत खींचातानी होती है, तो ऐसे ही लोगों को ग्रैब किया जाता है ऐसे कामों के लिए। ये जो रीसेलिंग, टिकट की रीसेलिंग है, इसमें क्या होता है कि आपको बोला जाता है कि आपको टिकट रीसेल करनी है, सॉरी, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, जैसे भी हो, टिकट की सेल आपको करनी होती है, जिसमें आपको भी फ़ायदा हो जाता है और जो आपसे ये काम करवा रही है उसको भी फ़ायदा हो जाता है। लेकिन जो लोग भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग ऐसे चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए, पैसे की लालच में मत आइए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप सबको हो जाएगी अगर ये चीज़ पता चल जाती है। अगर नहीं पता चलती तो कुछ भी नहीं होगा, अगर पता चल जाता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं जॉब सर्च करने के लिए, वही कीजिए। अगर कुछ पैसों के लिए अगर ऐसा काम करते हैं तो फिर आप बहुत बुरा फंसने वाले हैं। तो ये पता होता है, यूएई गवर्नमेंट को भी पता होता है कि ऐसा काम चालू हो जाएगा, इसलिए पहले ही एडवाइसरी आ चुकी है कि टिकट की रीसेलिंग बिल्कुल भी इलीगल काम है। यहाँ पे टिकट की रीसेलिंग आपको नहीं करनी है। अगर आप लोग विजिट वीज़ा में हैं तो आपके लिए यूएई बैंड हो सकता है, यहाँ तक की खबर है कि यूएई बैंड हो सकते हैं, और हेवी जुर्माना तो है ही, हेवी फाइन आपको यहाँ पे पता है कितने दिरहम का होता है, मिनिमम 10,000 दिरहम तो फाइन होगा ही इसके लिए कि आप टिकट ऐसे रीसेल कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी ऐसे चक्कर में मत पड़िएगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके पास ऐसे ऑफर्स आएंगे कि आपको रीसेल करना है, इतना पैसा, एक टिकट का इतना पैसा मिलेगा, दो टिकट का इतना पैसा मिलेगा, जो भी है, बट ऐसा काम आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिए। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल हो ही होगी। और भी कोई अपडेट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।